सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लेनी है सुर्खियों के वल। हल्द्वानी तो बाद बरेली च हिंसा, कोई साडा घर तोड़ेगा तो शांत नहीं रहेंगे, कहा मौलाना तौकीर रजा ने घटना के विरोध च गिरफ्तारियों का किया ऐलान। हल्द्वानी हिंसा च हुई 6 लोगों की मौत, 300 तो वध हुए जख्मी, दूजे दिन भी इंटरनेट सेवा बंद। बरनाला रोड से वापरिया दर्दनाक सड़क हादसा, महिला ते व्यक्ति की हुई मौत। उत्तराखंड के हल्द्वानी च भड़की हिंसा तो बाद उत्तर प्रदेश के बरेली विच भी हंगामा हो गया। पथराव च 4 लोग जख्मी हो गए ने। इतिहाद के मिलत कौंसल के कौमी प्रधान तौकीर रजा ने इस घटना के विरोध च गिरफ्तारियों का ऐलान किया। तौकीर रजा ने दरगाह अल्लाह हजरत विखे नमाज अदा की, उस तो बाद गिरफ्तारी देने लिए उत्थों अगे वधे पर पुलिस ने उन्होंने रोक लिया। पुलिस के समझाने तो बाद तौकीर रजा घर परत आए ने। इस तो बाद उन्होंने समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस ही मौलाना तौकीर रजा के घर परतन तो बाद श्यामतगंज नेड़े तिरंगा लैके परत रहे मुस्लिम भाईचारे के लोगों ने पथराव किया, जिस कारण हफड़ा दफड़ी मच गई। पत्थरों 4 लोग जख्मी हो गए। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि उत्तराखंड में जो कुछ भी होया इसलिए मुख्यमंत्री धामी जिम्मेवार ने, जे कोई घर तोड़द तो असं शांत नहीं रहा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में एक नजायज़ मदरसे नू तोड़े जाने की कार्रवाई दौरान भड़की हिंसा के दूजे दिन भी इलाके च करफ्यू लागू रहा। इस मामले की गंभीरता नू देखते हुए सरकार ने दंगाकारियों नू देखते ही गोली मारन के हुक्म दिते ने। 3 मामलों च 19 लोगों नू नामजद किया गया, करीब 5000 अणपछाते लोगों नू मामले शामिल किया गया। घटना लई जिम्मेवार 4 व्यक्तियों नू गिरफ्तार किया गया, जदों की होरना की पछाण करन लई सीसीटीवी फुटेज फरोली जा रही है। जानकारी मुताबिक इस हिंसा च हुण तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जदों की सैकड़े लोग इस हिंसा कारण 1 करोड़ तो वादा नुकसान होया है। करफ्यू कारण हल्द्वानी के बनभूरपुला इलाके च सन्नाटा छाया रहा, सड़कों से फैले पत्थर से सड़े वाहनों के टुकड़े उत्थे हुई हिंसा की गवाही दे रहे सन। किते भी हिंसा की कोई घटना नहीं वापरी। नाजुक इलाकों करीब 1100 पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए। अफवाहों फैलने तो रोकने लिए शहर च इंटरनेट सेवावां बंद कर दी गई हैं, जदों कि स्कूलों कॉलेजों में भी बंद रखने के हुक्म दिए गए हैं। मानसा बरनाला रोड से स्थित पिंड रला नेड़े भागो कॉलेज रला विखे ब्रीजा कार से मारुति स्विफ्ट कार की सीधी टक्कर हो जाने कारण दर्दनाक हादसा वापर गया। थाना जोगा के मुख्य अफसर इंस्पैक्टर बेअंत कौर घटना वाली थान से पुलिस पार्टी समेत पहुंचे, जिन्हें दसिया कि स्विफ्ट कार सवार अपनी नवी कार की खुशी च बाबा जोगी पीर तो नतमस्तक होकर अपने पिंड जोगा वापिस अपने घर वालों आ रहे सन। ब्रीजा गड्डी वाले अपने पिंड मौड़ नाभा तो अपनी रिश्तेदारी में मानसा जा रहे सन, जिन्हों का अचानक मौड़ पैन से भयानक भटकन के कारण गड्डी कंट्रोल तो बाहर हो गई, जिस कारण यह हादसा भयानक रूप धारण कर गया। ब्रीजा गड्डी सीधी स्विफ्ट गड्डी में जा वजी। गड्डी की स्पीड ज़्यादा होने कारण एक्सीडेंट इन्ना ज़्यादा भयानक से कि एक महिला एक व्यक्ति की मौत हो गई, 4 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जो सिविल हस्पताल मानसा विखे जेरे इलाज ने। मृतक सुरजीत सिंह की मौत तो समाचार तो बाद पिंड सोग की लहर। भारतीय मूल निवासी मुक्ति मोर्चा ते वाल्मीकि समाज ते होर जथेबंदियां वल्लों भंडारी पुलां ते अनमिथे समय दे लई कीती गई भुख हड़ताल खत्म कर दित्ती गई है। दस्सिए कि वाल्मीकि समाज वल्लों इह भुख हड़ताल पंजाबी फिल्म बूहे बानियां ते होर कई वाल्मीकि समाज दे मसलिआं नूं लै के कीती गई सी, जिसदे चलदिआं पुलिस अधिकारी गुरविंदर बीर सिंह वल्लों वाल्मीकि समाज दीआं मंगां नूं मंनदे होए भुख हड़ताल नूं समाप्त कराया गया। नाल ही बूहे बारियां दी स्टारकास्ट नूं 13 फरवरी नूं थाने विच पहुंचण दा हुक्म दित्ता गया। हालांकि समाज दा कहिणा है कि जेकर कोई सुनवाई नहीं हुंदी तां उह आर्टिकल 19 ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ।
साबका संसद मैंबर प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने श्रोमणी अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी दरमियान आगामी लोक सभा चोणां नूं लैके गठजोड़ दीआं चर्चावां नूं हाल दी घड़ी रद्द कर दित्ता है। उन्हां कहा कि सियासत विच सब कुछ संभव जरूर है। प्रोफेसर चंदूमाजरा ने कहा कि सचखंड श्री हजूर साहब नंदेड़ बोर्ड के ट्रस्ट में छेड़छाड़ के मामले से श्रोमणी अकाली दल और श्रोमणी कमेटी के वफद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नूं मिलणगे। प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि सचखंड श्री हजूर साहब नंदेड़ गुरुद्वारा बोर्ड में महाराष्ट्र सरकार वालों बोर्ड के ट्रस्ट में छेड़छाड़ करके यह साबित किया गया कि महाराष्ट्र सरकार गुरुद्वारा साहब के प्रबंधों सीधे तौर पर अपने हाथों में रहना रखना चाहती है, जिस नाल समुचे सिख जगत में रोस की लहर देखने को मिल रही है। सचखंड हजूर साहब नंदेड़ के बोर्ड के विच सरकार ने जिस तरह तब्दीली की आ, मैं समझता हूँ सरासर धार्मिक मामलों में दाखल आ, सरासर सिख धर्म के गुरद्वारा प्रबंध को महाराष्ट्र सरकार अपने कंट्रोल से लेना चाहती है। और जी मैं समझता इसका बहुत ज़्यादा विरोध होएगा, बहुत ज़्यादा इस गल का रोस आ। अज शायद पहली बारी सचखंड हजूर साहब के जथेदार साहब न मतलब अरदास करके जैसा तोरना पिया इस फैसले का विरोध करने लई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब भी उचेचे तौर पर उत्थे पहुंचे ने। समुचा सिख जगत जिहड़ा है इस फैसले के विरोध के विच आ। और असी समा भी मंगिया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब नूं मिलण दा, श्रोमणी कमेटी का डेलीगेशन, श्रोमणी अकाली दल का डेलीगेशन जल्दी मुख्यमंत्री साहब नूं मिल के आएगा और ये फैसला जरा है इन लागू ना किया जाए। ये एक्ट बनाने तो सरकार गुरेज करे, क्योंकि अगर एक्ट बनाने वजिद रही सरकार महाराष्ट्र की तो मैं समझदा सिख बहुत बड़ी जदोजहद सिख बहुत बड़े संघर्ष के कूदणगे और ये फैसला बदलने सरकार को मजबूर करेंगे। अमृतसर के हलका थाना जंडियाला की पुलिस वालों अपने हल्के नशा खत्म करने लिए समाज विरोधी अंसरां ते नत्थ पाउण लिए विशेष हदायत जारी की गई ने, जिसके चलदे थाना तरसिका विच मानयोग अदालत वालों पीओ करार दोषी गुरप्रीत सिंह वासी जंडियाला 2 किलो हैरोइन ते 1,75,000 की ड्रग मनी समेत गिरफ्तार किया गया। जिस संबंधी उस खिलाफ थाना जंडियाला विखे मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही थी कि तफ्तीश दौरान मुलजम के एक होर साथी संदीप सिंह वासी जंडियाला गुरु बारे जानकारी मिली, जिसन भी मुकदमे नामजद करके 7,50,000 रुपए की ड्रग मनी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। जलंधर पठानकोट राष्ट्रीय मार्ग से फोकल पॉइंट पिंड टंडियाला नज़दीक कार ते साइकिल दरमियान हुए भयानक सड़क हादसे में साइकिल सवार नौजवान की मौत हो गई है। मनभागा सड़क हादसा देर शाम उस समय वापरे जदों टांडा के रंगी राम हस्पताल की लैब चों काम करके सरबजीत सिंह वासी पिंड टांडी शेखे ड्यूटी खत्म करने उपरंत साइकिल राही अपने घर वापस पिंड नूं जा रहा है कि पठानकोट वालों आ रही कार की भेट में आ गया। हादसा इन्ना भयानक है कि साइकिल सवार सरबजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जदों कि इस हादसे में इको परिवार के कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्होंने सड़क सुरक्षा फोर्स से स्थानक लोगों की सहायता नाल 108 नंबर एंबूलेंस ने सरकारी हस्पताल टांडा पहुंचाया। उधर अमृतसर के इतिहासिक नगर छरेटा के BRTC सड़क मार्ग विखे भी भयानक सड़क हादसा वापरिया। हादसे दौरान 3 नौजवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जो श्री दरबार साहब तो मत्था टेक के BRTC लाइन के पूरी रफ्तार के नाल आ रहे सन, जिसनों सड़क से आ रही तेज़ रफ्तार कार ने पिछों की टक्कर मार दी। हादसे में जख्मी 3 नौजवानों को हस्पताल भर्ती करवाया गया, जिथे कि 1 की हालत गंभीर दसी जा रही है। किसान मजदूर मोर्चा ते संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक वालों 13 फरवरी के दिल्ली अंदोलन की तैयारियां पूरे देश में जोरों से चल रही ने, जिसके चलदियां 13 फरवरी लखां की गिनती में ट्रैक्टर ट्रालियां से सवार होकर लखां की गिनती किसान मजदूर ते औरतां दिल्ली वालों कूच करनगियां। जानकारी देंदे हुए किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के सूबा आगू ते KMMA के कोआर्डीनेटर सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि जिस तरह पंजाब ते हरियाणा के बॉर्डर को अंतरराष्ट्रीय बार्डर वांग सील किया जा रहा है, लोकतंत्रिक देश की निशानी नहीं।
मैं सरवण सिंह पंधेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी तो और किसान मजदूर मोर्चे का कोऑर्डिनेटर बोल रहा है। एस के एम गैर राजनीतिक के एम एम वालों सांझा अंदोलन 13 फरवरी दिल्ली कूच का नारा वा। असी पूरे पंथ नू सारे देशवासियों आपदी आपदी आस्था के मुताबिक सवेरे पंजाब गुरुद्वार इकट्ठे होके मोर्चे की चढ़ती कला की अरदास करनी असी एक तह बेनती सी। दूसरी आ केंद्र सरकार गलबात की आ पंजाब सरकार ने कराई है बहुत वधिया गल भरोसा बजा वा गल गाह तुरी हैगी आ। पर जिस तरीके नाल हरियाणा ते पंजाब नू ऐ लगता जिवें कमांतरी पद्धर दा बॉर्डर बनाता वा भी ये इंटरनेशनल बॉर्डर होवे एक देश ना होवे जिवें उत्थे जोर लग रहा। और जिवें हरियाणे दे विच पुलिस अफसर कर रहे भी असीं शांति बहाल रखांगे असीं कहने ठीक है करो रखो जी तुसीं दस दिओ सानू भी अंदोलन करना कि शांति वाली गल आ। और जिवें किसान आगूआं दे और जिवें उत्थों स्थानक लोगों के घर जा के रात दे 12 बजे मर्दाना फोर्स जनानियां नू प्रताड़ित करदी औरतां दी फोर्स भी नहीं हैगी। और जिवें तुसीं नोटिफिकेशन करता भी ट्रैक्टरां 'च डीजल पाउणा ही नहीं हैगा ठीक है। और जिवें तुसीं साडे गाड़ी कंडियां दी और वड्डे वड्डे किल्लां दी जिवें फसल उगाउण डहे जे तो मैनू लगता है दो गल्लां नहीं हुंदियां। मैं तां भारत सरकार नू कहूँगा खट्टर जी नू कहूँगा भी तरीका ठीक नहीं हैगा। असीं कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आए से उन्होंने सामने भी ये गल रखी सी एक बन्ने वार्ता करनी एक बन्ने दमनकारी नीति अपनाउणी एक बन्ने मानवीय अधिकारां नू कुचलना ये ठीक नहीं गा लगता हैगा। गलबात लई तां सदा जथेबंदियां तैयार रहिंदियां हैगियां वा तो इस करके ये जिहड़ा रास्ता चुनिया वा हरियाणा सरकार ने उहनू वापस लवे। विधानसभा हलका राजा सांसी अधीन आउंदे पिंड बनी के विखे पिछली कांग्रेस सरकार समय जारी ग्रांटा नूं मौजूदा आप सरकार वल्लों रोक के अपने नींह पत्थर रखण दे विरोध च चेयरमैन हरभेद सिंह दी अगवाई विच कांग्रेसी वर्करां दी मीटिंग होई। रोह भरी मीटिंग नूं संबोधन करदिआं ब्लाक जगावां दे चेयरमैन हरभेद सिंह बनीके ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार दे समय साबका कैबिनेट मंत्री सुखविंदर सिंह सरकारिया वल्लों हलके दे लोकां दी मुश्किलां नूं समझदे होए सरकारी हस्पताल लोपोके नूं सब डिवीजन दा दर्जा सब तहसील नूं तहसील करना 13 डिस्पेंसरियां लई 2,40,00,000 ਦੀ ਗਰੰਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। पंजाब सरकार वालों बीते दिन किए गए पुलिस अधिकारियों के तबादलों के तहत फाजिलका जिले के नवनियुक्त SSP वरिंदर सिंह ने अपना अहुदा संभाल लिया। अहुदा संभालन तो पहला पुलिस अधिकारियों वालों गार्ड ऑफ ऑनर देखे उन्होंने स्वागत किया गया। इस नाल ही पुलिस अधिकारियों ने नवनियुक्त SSP वरिंदर सिंह उन्होंने दफ्तर में फुलों का गुलदस्ता दे के स्वागत किया जिस तों बाद उन्होंने जिले अंदर अमन शांति ते कानून व्यवस्था बनाई रखने लिए पुलिस के सारे अधिकारियों नाल विशेष मीटिंग करके उन्होंने कोलों जिले बारे जानकारी ली ते उन्होंने जिले में चौकसी वरतन ते शरारती अंसरां ते नकेल कसम दे हुकम जारी कीते। मैं 2010 च SP अबोर ज्वाइन किया सीगा उदों फिर SP नवी पोस्ट बनी सी 2010 ते मेरे होंदे ही जिला बनिया सीगा ते इस करके इत्थे सारी मेरी पुरानियां मैमरीज हैगियां ने ते मोस्ट ऑफ ऑल बड़े चैलेंजिंग टाइम हुण जिहड़ी पोस्टिंग होई है बिकॉज़ हुण इलेक्शन भी आ रही है किसान रजिस्ट्रेशन भी चल रहे हैं सो सारा ये देखांगे। लॉ एंड ऑर्डर जिहड़ी हैगी उहनूं इंपोर्टेंट ते पहल दित्ती जाऊगी लॉ एंड ऑर्डर स्मूथ सारा कुछ इंश्योर करावांगे ते उसे नाल ही जे लॉ एंड ऑर्डर स्मूथ है तो समझ लो कि बाकी सारा एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ी हैगी है वो ठीक रहिंदा है ते बिल्कुल जिहड़ा हर बंदा चाहे वह वड्डा छोटा एनीथिंग जिहड़ा जो भी इत्थे आऊगा उहनूं जिहड़ा हैगा प्रॉपर रिस्पैक्ट मिलेगी ते जिहड़े माड़े अंसर ने होर ने मैं इंश्योर करावांगे कि उन्होंने जी उन्हों की रिस्पैक्ट बनती वो मिलनी चाहिए है सो इस करके इस गलते ढिल नहीं की जाऊगी बाकी रूटीन आप जो मिलेंगे तो डिस्कस करते रहेंगे सो गल यह भी अपना कहें वर्ड्स नालों थोड़े एक्शन जरूरी होंगे तो असं इसी गलती ही देवे कि आने वाले टाइम से वधिया पुलिसिंग मिले। हम नज़र मारते हैं अज के मौसम के हाल दिवाल
इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाज़र होवांगे। तद तक लई दिओ इजाज़त, धन्नवाद।